अब तक मैंने स्टोरी में बताया आपको कि कैसे सभी लोग अलग अलग ओपिनियन लिए हुए थे, कैसे सभी परेशान थे कि वाटर में, ये जो सी वाटर है, इसके लास्ट में वर्ल्ड का कहीं एंड ना हो। कोई डर रहे थे कि कोई बहुत बड़े बड़े स्नेक ना हो जो उन्हें खा जाएं, या जिनकी एक बाइट ही वो डेड कर दे, मर जाएं वो लोग। इस तरीके से सभी सोच रहे थे। अब आगे क्या होता है कहानी में देखते हैं। ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड, वन ऑफ द शिप द पिंटा लॉस्ट हर रडर। इसमें एक शिप जिसका नाम था पिंटा, पिंटा शी कहते थे उसको, सिर्फ उसका रडर टूट जाता है, खो गया उसका रडर। दिस वॉज परहैप्स नोन एक्सीडेंट, बट द वर्क ऑफ सम ऑफ द क्रू हु डिड नॉट वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, ये उन लोगों की शरारत थी जो कि इसमें पार्ट नहीं लेना चाहते थे, जो कि इस वॉयज का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जानबूझकर रडर को छुपा दिया, घुमा दिया। कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर। कुछ समय तक के कैनरी आइलैंड पर ही कोलंबस रुका रहा था कि शिप में सुधार काम हो जाए, रिपेयर हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए उसका। द पिंटा वॉज फिटेड विथ अ न्यू रडर एंड देन दे सेट सेल अगेन। पिंटा में नया रडर लगाया गया और उसके बाद में उन्होंने वापस से सेलिंग स्टार्ट की। फ्रॉम नाउ ऑन दे वर इन कम्प्लीटली अननोन सी। अब जो थे उस जगह पर थे जहाँ इस रास्ते के बारे में, इस सी रूट के बारे में उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल टोटल अननोन सी था वो उनके लिए। अननोन मीन्स जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, वो लगातार सेलिंग करे जा रहे थे, लगातार आगे बढ़े जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे रेगुलर। देयर सीम टू बी नो एंड टू द सी, और कोई भी अंत उनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये सी जो है कहाँ ख़त्म होने वाला है, ये ओशन जो है इसका अंत कहाँ है, उनको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ से पानी ही पानी नज़र आ रहा था। एंड एज द डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द फियर्स एमंग द सेलर्स ग्रू। लोगों के बीच में डर जो था वो लगातार बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया। ऑन द एट डे, आठवें दिन क्या होता है देखते हैं। दे सॉ टू बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द सी, उन्होंने देखा कि समुद्र के ऊपर दो पक्षी उड़ रहे थे, उड़ते हुए उनको दिखाई देते हैं दो बर्ड्स। दिस गेव दैम द होप दैट लैंड वॉज नियर, इससे उनको उम्मीद हुई, उनमें आशा की किरण जागी कि हो सकता है कि ये बर्ड्स यहाँ आस पास हैं। इसका मतलब क्या है, लैंड कहीं ना कहीं आस पास है, ज़मीन कहीं ना कहीं आस पास है इस पानी के अलावा। बट दिस होप टर्न आउट टू बी फॉल्स, लेकिन उनकी ये जो होप थी वह गलत साबित हुई। देन ऑल ऑफ अ सडन दे केम अपॉन अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी, तभी उन्होंने एंटर किया एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी में। इट्स सरफेस वॉज थिक विथ सी वीड्स, जो सी वीड्स कहने का मतलब ये कि आपने देखा होगा कि जो पानी वाली जगह होती है उसमें हरी हरी कुछ काई सी जम जाती है, या कुछ झाड़ियाँ उग जाती है, जो पानी में ही रहने वाले पौधे हैं वो उग जाते हैं, और खरपतवार कुछ जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो भी उग जाते हैं, कुछ कचरा सा। तो उन्होंने उसका जो सरफेस था, जिस सी में उन्होंने एंटर किया था, उसके उस एरिया में, उस जगह पर कुछ सी वीड्स थे, कुछ कचरा सा था बहुत ज़्यादा, और थिक लेयर थी, जैसे मड की हो जाती है मिट्टी की, मिट्टी और पानी को मिला देते कीचड़ जैसा जो हो जाता है, मड बन जाता है, वैसा मडी सरफेस था उसका। दिस सी ऑफ सी वीड कॉल्ड द सार्गसो सी, को सारगासो सी के नाम से जाना जाता था। कवर्स एन एरिया 7 times द एक्सटेंट ऑफ फ्रेंड्स, इन्होंने 7 times उस एरिया में लार्ज पार्ट को कवर करके रखा था सी वीड से। सीइंग इट, इसे देख कर द सेलर वर टेरिफाइड, जो सेलर्स थे कि उस स्टॉपर की नाव पर, शिप पर, जितने भी लोग थे उस बोट पर, उस शिप पर, सब लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। बट वैन दे सा दैट द शिप्स कट देयर वे थ्रू दिस सी वीड्स ईजीली, दे टुक हार्ट अगेन। जब उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो सी थी उससे, उस कीचड़ से वो आसानी से निकल गई बाहर, तब उनकी जान में जान वापस से आई।
उन्होंने देखा कि अब कोई परेशानी नहीं है, अब हम बच सकते हैं। सबको लग रहा था तो हमारा नंबर आ गया है, अभी हमें मरना ही है। बट सून समथिंग हैपेंड विच कॉज्ड इवन ग्रेटर टेरर। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जल्दी में कि उससे उनके बीच में डर जो था और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द निडल ऑफ द कंपास, कंपास विच मीन्स एक डायरेक्शन देने के लिए एक कंपास होता है जिसमें एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई होती है जो कि हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ज्ञान कराती है, जो हमें डायरेक्शन दिखाती है, दिशाएं बताती है जिससे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। विच शोड पॉइंट नॉर्थ वॉज नॉट पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट, जिसे दिखाना चाहिए नॉर्थ वॉज नाउ शोइंग, क्या दिखा रही थी अभी, वो दिखा रही थी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नहीं दिखा रही थी क्लियरली, इंडिकेशन कर रही थी नॉर्थ वेस्ट पर। When this was observed, जब इसका निरीक्षण किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया, the crew demanded that the ship should immediately turn back home. तभी सारे के सारे लोग जो कि क्रू में थे उन्होंने डिमांड किया कि स्टॉपर से कि हमें तुरंत अभी शिप जो है उसको वापस घर की तरफ टर्न करना है, हमें घर वापस जाना है। सभी जिद करने लगते हैं अब यहाँ पर, सभी की डिमांड होती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। कोलंबस हाउएवर वुड नॉट एग्री, कोलंबस जो है लेकिन क्रिस्टोफर था वो एग्री नहीं होता है, नहीं हुआ वो आखिरी तक। फॉर हिम द सेल बैक नाउ वॉज अनथिंकेबल, उसके लिए इतनी दूर आने के बाद में वापस जाना अनथिंकेबल था, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि उसे वापस जाना है, क्योंकि उसने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि उसको एक सी रूट ढूंढना है। और जब आप किसी चीज़ के बारे में डिटरमाइन कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी उस रास्ते पर चलने से रोक नहीं सकता, ये एक्चुअल है। अगर आप भी ठान लो कि आपको क्लास में फर्स्ट रैंक आना है और उसके लिए आप दिन रात मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो, तो आपको कोई भी फर्स्ट आने से नहीं रोक सकता, कोई भी अवार्ड विन करने से नहीं रोक सकता। अगर आपने खुद ने सोच करके डिटरमाइन कर लिया कि मुझे मेरी राइटिंग ठीक करना है, मुझे मेरी रीडिंग ठीक करना है, और अगर आप दिन रात प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, तो आप बहुत अच्छे बन सकते हो। ऐसे ही क्रिस्टोफर ने डिटरमाइन किया था कि उसे सी रूट ढूंढ के निकालना है। देखते हैं अब आगे ढूंढ पाता है कि नहीं, आगे चलते हैं कहानी में। इट वुड मीन द रूइन ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्चून, उसके वापस लौट जाने का मतलब था अपनी लाइफ बर्बाद कर देना, और उसकी लाइफ में जो एक सौभाग्य मिला है उसको एक सी रूट ढूंढ निकाल करके सबसे ज़्यादा फेमस होने का उसे खो देना। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड, उसने तो डिटरमाइन कर लिया था कि उसे सफल होना ही है, एंड टू गो ऑन टिल द एंड, और उसे आखिर अंत तक के जाना है कि इस सी रूट का जो अंत है कहीं ना कहीं तो होगा, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। The frightened crew did not know what to do. जो डरी हुई उसकी टीम थी वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना था। Some thought that the best plan would be to throw Columbus into the sea. कुछ तो ऐसा सोच रहे थे कि सबसे अच्छा होगा अगर हम कोलंबस को ही उठा करके इस पानी में, इस समुद्र में फेंक दे तो अच्छा है, बोले ये मर जाएगा तो हम घर वापस चले जाएंगे। Then they could go home. तब शायद वो अपने घर वापस लौट सकें। कोलंबस न्यू वॉट वॉज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ हिज मैन, वो जान गया, वो जानता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या बातचीत चल रही है, वो समझ जाता है इस बात को। एवरी डे ही वेंट अमंग द क्रू एंड ट्राइड टू एनकरेज देम, तो वो क्या करता है क्रू के बीच में रोज़ रोज़ बैठ करके रेगुलर सभी को एनकरेज करने की कोशिश करता है कि अगर हमने ढूंढ लिया तो हमारा कितना नाम होगा, हमें बहुत पैसा मिलेगा, मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा। इस तरीके से वो सभी को कभी अवार्ड ऑफर करता, कभी रिवार्ड देता, कभी लोगों को एनकरेज करता, अपनी बातों से बहलाता फुसलाता, कभी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता। इस तरीके से वो सभी के मन में एक डिटर्मिनेशन को ग्रो कर रहा था। एंड विन देयर फ्रेंडशिप बाय टॉकिंग टू देम, और उनसे बातचीत कर करके उन्होंने सभी से दोस्ती कर ली। वन डे ही कंफर्टेड देम विद सॉफ्ट वर्ड, एक दिन उसने अपने बहुत मीठी बातों में, बहुत प्यार से, बहुत नरम से शब्दों में उनसे कहा,
Another day he described to them the great riches each of them would win when they reached India. जब हम लोग इंडिया लौटेंगे तो हम लोग बहुत धनवान हो चुके होंगे, यहाँ हम सबसे रईस होंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, इस तरीके से उसने उनको समझाया. Sometimes he warned them of punishment given to sailors who rebelled against their captain at sea. और एक बार कभी कभी वो ये भी कहता कि उस व्यक्ति को बहुत कठोर सजा दी जाएगी, उसे बहुत कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा जो कि रिबेल करेगा. रिबेल कहने का मतलब गद्दारी करना या धोखा देना या विद्रोह करना है या अगेंस्ट में बातें करना, जो भी ऐसा करेगा कैप्टन जो है उसके अगेंस्ट में, मतलब क्रिस्टोफर के अगेंस्ट में उसे पनिशमेंट दिया जाएगा. इन दिस वे फ्रॉम डे टू डे ही ड्रिव देम ऑनवर्ड्स. और ऐसा कर करके उसने कहानियाँ सुना सुना करके, पनिशमेंट का डर दिखा दिखा करके लोगों को ऑनवर्ड कर लिया. वो तैयार रहे, डटे रहे लगातार आगे बढ़ने के लिए. प्रोमिसिंग दैम दैट लैंड वुड बी सीन वेरी सून. उसने प्रोमिस किया कि इस रास्ते में सबसे पहले जो हमें लैंड दिखाई देगा. एंड येट दो दे सेल्ड ऑन एंड ऑन देयर वॉज नो साइन ऑफ लैंड. अभी भी वो लगातार वुड बी सीन वेरी सून, वो उसी रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर उनको लैंड जल्दी नजर आने की संभावनाएं थी, लेकिन क्या है अभी भी वो सेलिंग कर ही रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट में. अभी तक की उनकी वॉयज जो है जारी है, वॉयज टू बी कंटिन्यू. अभी तक उन्हें कोई भी लैंड का साइन नहीं मिला है कि आगे कोई लैंड है या नहीं है. जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड आया था रडर. रडर विच मीन्स अ फ्लैट वुडन और मेटल पीस एट वन एंड ऑफ अ शिप फॉर स्टेयरिंग. स्टेयरिंग के जो पर्पज से यूज होता है उसे रडर कहते हैं. ओके, दैट वॉज द स्टोरी कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका पार्ट वन. मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट.